उनको पता होना, उनको पता हर चीज का कि ये चीज हो रही है क्या, तक उन्होंने मुझे बुलाया कभी, क्या काउंसलिंग हुई, कभी बैठे, कभी बातचीत चल रही, क्या कभी उन्होंने मेरे पक्ष जानने की कोशिश करी। तो ये ऐसे इश्यूज हैं जिसमें हमें सफोकेशन होने लगी कि मैं यहाँ तो कोई सुन ही नहीं रहा है। मैं तो इसी तरह कॉन्फिडेंस था कि आपको पता नहीं कोई उस व्यक्ति ने जिस तरह स्टेट को अपने काबिज में किया, लूप होल्स को उसने अपने आपको ऐसा शो कर दिया कि पूरा स्टेट उनके कब्जे में है, उसका पार्टी को नुकसान एमएलए इलेक्शंस में भी हुआ है और आगे भी होगा। और जनता में आक्रोश इसी बात का है कि पार्टी बहुत बड़ी होती है, एक व्यक्ति नहीं होता, उस व्यक्ति ने पार्टी को कमजोर करने का काम किया है। बहुत हर्ट फील हुआ है सबको, क्योंकि मैंने मेरे एक्स पे भी ये बात लिखी थी कि मेरा गुनाह क्या है, क्या मैं निष्ठावान नहीं था, क्या मैं ईमानदार नहीं था, क्या मैंने काम नहीं करवाए, क्या मैं पार्टी के प्रोग्राम्स में शामिल नहीं हुआ, जो पार्टी ने आदेश दिया कि आज आपको ये प्रोग्राम करना है, आज नमो ऐप पे राजस्थान में मैं टॉप पे हूँ, आज फेसबुक के अंदर कोई पोस्ट डालनी हो, जो भी पार्टी के छोटे मोटे हमारे कार्यक्रम होते हैं या बड़े कार्यक्रम भी होते हैं, उस हर कार्यक्रम में मैंने लीड फ्रंट से किया। तो किस कारण से, वो कारण एक व्यक्ति पूरी कोशिश की, एनकाउंटर में तो एक्टिव पॉलिटिक्स में था भी नहीं कि मुझसे क्या नाराजगी है, बताओ जनता को बताओ भैया आप जेल में गए हो, आपका कोई एनकाउंटर केस में नाम था, क्या था, वो तो पब्लिक डोमेन में है हर चीज। आई वॉज नॉट इन एक्टिव पॉलिटिक्स, वो तो उनको बताना ही चाहिए कि भी मैं तो इस चीज से नाराज हूँ जी, और मैं तो इनको बीजेपी में रहने दूंगा नहीं। और ये उनका वन पॉइंट एजेंडा पिछले 15 ईयर से है, इस पर पार्टी लीडरशिप ने मजबूती से काम किया 10 साल तक, लोगों ने भी सुनी नहीं इस तरह की बातों को कि कोई लीडरशिप क्रिएट होती है। हमारे पापा के फादर की सीनियरिटी बढ़ी तो उनके टिकट काट दो, हमने 5 साल अच्छा काम कर लिया तो हमारे काट दो, 10 साल और अच्छा काम कर लिया तो हमें काट दो। बंद कमरों में कितनी आवाजें बाहर आई हैं ऐसी कि मैं टिकट लेने दूंगा ही नहीं, तो जब तुम लेने दोगे फिर पार्टी में सीपी जोशी जी और ऊपर सीनियर लीडर्स हमारे, उनका नंबर कहाँ से आएगा, लोग तो उसी को उन्हीं को जानते हैं चूरू में, और लोग चूरू में उनकी बात चलती है, वो बोलते हैं। और अध्यक्ष महोदय को तो बुलाना चाहिए था मुझे, क्या उन्होंने मुझे बुलाया, फिर हमने उनसे बात करी, मैंने उनको मेरी टिकट कटने के बाद उनसे बात पूछी थी, क्या अध्यक्ष महोदय आप मुझे कारण बता पाओगे मेरे कौन से काम में कमी थी। करीब करीब मैं ये बात कहता हूँ कि टिकट कौन बांट रहा है, टिकट में मेरा कोई रोल इन्वॉल्वमेंट नहीं, मुझे लगता है कि मेरा फीडबैक है कि एक्स कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर शायद इस कैंडिडेट की पोजीशन ठीक नहीं है, अपने को इसको रिप्लेस से करना चाहिए, मैंने मेरा से बताया। अगर आप उसको एग्री नहीं करते या बांधते नहीं, सुनते ही नहीं, और आप अपने हिसाब से बाइक को लेके आते हो, तो मैं जिम्मेदारी लूँ कि वो जिम्मेदारी ले, ना कभी मेरे फादर गए, ना कभी मैं गया, ना हमने कभी किसी पद की लालसा रखी कि हमें मंत्री बना, तो 6 बार के एमपी थे हम, मेरे फादर हम मिला के एक सीट से बीजेपी के, हम तो कभी मंत्री नहीं बने, ना कभी डिमांड करी किसी भी, कोई बता दे सीनियर लीडर की राहुल जी मेरे पास में आए थे और कह रहे थे कि मुझे मंत्री बना दो, आज तक नहीं कहा मैंने, हम बैठे फर्स्ट टाइमर्स हमारे एमपी थे मंत्री बने, ना कभी मैंने ये कहा कि मेरे इस कार्यकर्ता को बीजेपी के अंदर मंडल की टीम में उस टीम में डाल दो या स्टेट की टीम में डाल दो, काबिलियत होगी तो पार्टी अवश्य याद करेगी। वो तो मेरे पर इल्जाम अगर कोई लगा भी रहा है तो उसने अपना होमवर्क अच्छा नहीं करता। ऐसा आसान नहीं होता ना कि आप आज गए कि सर मुझे ट्रैक दे दो, ट्रैक मिल गया, सर मुझे ट्रेन दे दो, आज ट्रेन मिल गई, काम के पीछे पड़ना पड़ता है, स्टेट का सेंटर का कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है, भागते हो आप, लड़ते हो, तब तो काम होते हैं। तो मेरे को ये दुख था कि इतनी मेहनत करी 5 ईयर्स तक, 10 साल हो गए, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है आपकी, आप पब्लिक भी सारे दिन रहते हो, और किस कारण से टिकट कटी है यार, ये कारण ही नहीं पता लग रहा अपने को, तो क्या मैसेज दिया है आपने, मैं तो अचंभा करते रह गया कि जो सरेआम आप पार्टी की उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे जी के बारे में इतने अपशब्द कहने वाले लोगों को पार्टी ने आज ताज बनाया है, शर्म आनी चाहिए, मुझे तो पता नहीं क्यों बनाया है, किस किया, डेलिब्रेटली जानबूझ के किया है। बस जो पार्टी जिम्मेदारी देगी थी, मैं सामंतवादी सोच के लोगों के खिलाफ एक व्यक्ति किसी का कोई शिकायत नहीं कर सकता। एक ऐसा परिवार जो 3 दशकों से राजनीति में सक्रिय रहा हो, जिनके दादा एक बार विधायक रहे, जिनके पिता 4 बार सांसद, 1 बार विधायक रहे, जिनकी माँ 1 बार विधायक रही, प्रधान रही, प्रमुख रही, वो खुद भी 2 बार सांसद रहे, ऐसे कस्बा परिवार का बीजेपी ने टिकट काट दिया। इस वक्त सीधी बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है राहुल कस्बा। सोमवार को राहुल कस्बा ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया, अब एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत राहुल जी करने जा रहे हैं, इनसे सीधी बातचीत करते हैं। राहुल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका राजस्थान तक पर। थैंक यू मैम। राहुल जी, व्यक्ति समय के साथ आगे बढ़ता है लेकिन उसका पास उसका पीछा नहीं छोड़ता है, जिस पार्टी से आपका वर्षों पुराना रिश्ता रहा हो उसके खिलाफ आपने बगावत कर दी।
देखिए बगावत नहीं है, इसको आप बगावत नहीं बोल सकते हैं। मेरे पिताश्री, मेरे ग्रैंडफादर ने पॉलिटिक्स शुरू की थी 1977 में। ये 47th 48th ईयर है हमारा पॉलिटिकल जर्नी का। हम चूरू जिले की राजगढ़ तहसील, सादतपुर तहसील बोल सकते हैं, सादतपुर लोक विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते आए। 1977 से लेकर 1991 तक का वो सफ़र मेरे ग्रैंडफादर ने इंडिपेंडेंट कभी जनता दल में लड़ा। एक लीडरशिप क्रिएट होती है, आप पब्लिक के लिए चलते हो, पब्लिक आपसे जुड़ती है, एक आपका लोगों का आपके प्रति का एक प्यार, एक सहानुभूति, एक टीम बनती चली जाती है। वो सफ़र है इसका। ये हम पॉलिटिक्स में उस शुरुआत के दौर में चले हैं जब 15 साल तक, स्टार्टिंग में 10 साल तक चुनाव लड़ा ही नहीं कभी। फिर 1980s में अगर चुनाव लड़ना जीते पहली बार दादा हमारे, तो उसके बाद भी हम चलते गए। ऐसा टाइम भी जिंदगी में था जब हम 15 साल तक लगातार चुनाव हारे एक ही व्यक्ति से, जिसमें मेरे ग्रैंडफादर भी हारे, फादर भी हारे, मदर भी हारी। समय निकलता है और पर एक आपकी पब्लिक में स्ट्रेंथ होती, पब्लिक आपकी ताकत होती है, लोग आपके साथ जुड़े हुए होते हैं, उसी ताकत को देख के बैरसून शेखावत साहब पापा को बीजेपी में लेके आए थे। बीजेपी का वो फर्स्ट इलेक्शन था जब बीजेपी का कमल पहली बार चूरू में खिला था, और चूरू के अंदर कमल खिलने का कार्य फादर के द्वारा हुआ 1991 में। 1,165,168 वोटों से फादर ने पहली बार जीत हासिल करी। तो इट्स ये एक, इसको आप एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा इस सिस्टम को, क्योंकि ये एक फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है। एक फैमिली के 3-4 सदस्य लगे हुए हैं और वो जनता के बीच में रहते हैं, जनता में उनका एक इमेज बिल्डअप होती है, और उनके सुख दुख में, उनकी समस्याओं में आगे खड़े रहना। मैं बचपन में जब दादा के साथ बाहर जाया करता तो दादा सुबह मॉर्निंग में लेकर इवनिंग तक कचहरी में बैठा करते थे, पब्लिक आती थी, लोगों का कम्युनिकेशन नहीं था प्रशासन के साथ में, उनकी हेल्प करना। तो ये बहुत लॉन्ग जर्नी है और सफ़र लंबा है। हमने पार्टी को, पार्टी शेखावत साहब हमको लेके आए तो पार्टी को मजबूती दी, स्लोली हम आगे बढ़ते गए, दोबारा इलेक्शन जीते, फिर दोबारा जीते, और 4 लगातार पापा सांसद रहे और जनता का जुड़ाव रहा और जनता के बीच में ही रहे। हमारी पॉलिटिक्स कोई, हम कोई नेशनल लीडर या स्टेट लीडरशिप बनाने का हमारा कभी ना मकसद रहा, ना हमने उसे कभी सोच से काम किया है। हम चूरू में थे और चूरू तक ही सीमित रहे और चूरू तक ही राजनीति करी, क्योंकि जब तक हम अपना वो कमिटमेंट पूरा नहीं कर सकते हम आगे नहीं बढ़े कभी। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, डेवलपमेंट के वर्क करवाना, लोगों को जोड़ना, वो हमारी प्राथमिकता रही। और सफ़र चला, 2014 में पार्टी ने मुझे एक मौका दिया और इस मौके के साथ में लास्ट 10 से मैं उसी पथ पर चलकर सच्चाई ईमानदारी के साथ में, हमने कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दी और इंफ्रास्ट्रक्चर के अच्छे काम करवाए, हम काम करते चले गए। अब जो बात हुई है ये इसका सिर्फ इसलिए मेरे को दुख भी है इस बात का, क्योंकि काफ़ी समय से मैं जानता हूँ मेरी पार्टी में एक व्यक्ति विशेष के कारण ऐसी गलतफहमियां और ऐसा एक माहौल बनाया गया जिसने कम्युनिकेशन को वन वे करने की कोशिश रही। शेखावत साहब ने और वसुंधरा मैम जब मुख्यमंत्री रही और पार्टी में लीड कर रही थी राजस्थान में, तो उन्होंने एक बैलेंस बनाने को रखा और दोनों पक्षों की बात सुन के बीच का रास्ता निकालने की हमेशा कोशिश करी। काफ़ी समय से जब लीडरशिप में चेंजेस आए हैं स्टेट के अंदर, तो स्टेट लीडरशिप के अंदर कम्युनिकेशन वन वे हो गया, और वन वे कम्युनिकेशन कभी रिजल्ट्स पॉजिटिव लेके आ ही नहीं सकते। जो वन वे कम्युनिकेशन होता है तो एक व्यक्ति की जो भी कहानी होती है वो कहानी सत्य दिखने लग जाती है। अच्छा, जब आपका टिकट कटा उसके बाद अपने लोकसभा क्षेत्र में आप पहुंचे और आपने कहा कि एक व्यक्ति टिकट तय नहीं करेगा, जनता क्या चाहती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो एक व्यक्ति आखिर कौन है? देखिए, वो व्यक्ति विशेष का जो नाम, मैं अपने मुझसे नाम क्यों लूं, नाम तो हमारे जो स्टेट यूनिट के हेड हैं ये उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो उस कुर्सी पे बैठे हैं कि जब राजस्थान का कोई भी कार्यकर्ता किसी भी गांव में बैठा हुआ है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसका दुख क्या है, उसका दर्द क्या है, उसकी कौन सी बात है, उसकी क्या अहमियत है, उसको संभालने की जिम्मेदारी एक पद को दी जाती है। इसलिए हम अध्यक्ष बनाते हैं, वो जिम्मेदारी उनकी है। उनको पता होना, उनको पता हर चीज़ का कि ये चीज हो रही है क्या, कभी उन्होंने मुझे बुलाया, कभी क्या काउंसलिंग हुई, कभी बैठे, कभी बातचीत चल रही, क्या कभी उन्होंने मेरे पक्ष जानने की कोशिश करी। तो ये ऐसे इश्यूज हैं जिसमें हमें सफोकेशन होने लग गई कि मैं यहाँ तो कोई सुन ही नहीं रहा है, और जब तक कोई सुनेगा नहीं तो एक व्यक्ति को अगर आप बूट पावर दे दोगे तो वो नीचे बैठा उस आखिरी कार्यकर्ता को का दम घोट देता है, वो उसको ये महसूस कर देता है कि मैं ही हूँ और मैं ही हूँ। पर चलता नहीं, ये प्रजातंत्र है, जनता ही सब कुछ होती है, और जनता का आशीर्वाद मेरे पिता को, मुझे और मेरे परिवार को हमेशा मिलता आया है, क्योंकि हम उनके साथ, हमारा जुड़ाव रहा है, और ये जुड़ाव कोई
एक टर्म या दो टर्म का नहीं, एक सांसद को उस रूप में काम करने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए। 340 किलोमीटर लॉन्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी है मेरी, 21-22 लाख वोटर्स है, तो ऐसे लोगों तक आप घरों तक जब पहुंचते हो तो समय लग जाता है और फैमिली को लगना पड़ता है। आज मदर दो डेथ पे बैठने गई हैं, फादर तीन शादियों में गए हुए हैं, मैं किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हिस्से में हूँ, तो वो धीरे धीरे प्रेजेंस इफेक्ट होती है, तो लोगों का आत्मीयता का जुड़ाव बनता है, उसको एक व्यक्ति नहीं तोड़ सकता। अंदेशा था कि टिकट कट जाएगा? कभी नहीं, मुझे तो अपना पे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं मेरी टिकट किस लिए कटेगी, क्योंकि पार्टी के अंदर हमने कभी कोई डिमांडिंग तुम कभी थे ही नहीं, ये हर कोई जानता है। मैं तो कभी उस लाइन में खड़ा नहीं हुआ जिस लाइन में कोई लोग कुछ मांग रहे होंगे, कोई मंत्री का पद मांग रहा होगा, कोई महामंत्री का पद मांग रहा होगा, या सेंट्रल में कोई लीडरशिप मांग रहा होगा, मैंने तो आज तक कभी इस लाइन में खड़ा ही नहीं हुआ। फिर मेरा बैग फुल था, आई वॉज डूइंग अ गुड अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट वर्क। आप रेलवे नेटवर्क मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना इम्प्रूव हुआ है लास्ट 10 ईयर्स में देखिए, 29 न्यू ट्रेन चलाई है मैंने, नेशनल हाईवे अच्छे बिल्डअप हो रहे हैं, 4 लेन बन रही है, एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग पूरे 5 साल में राजस्थान के अंदर नोटिफाई हुआ है, तो वो चूरू का हुआ है, चूरू से लेकर जलंधर तक का। हम बीमा के अंदर गवर्नमेंट की स्कीम्स को कैसे एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, आज हम बीमा में पूरे राजस्थान में टॉप में है, हिंदुस्तान में हमारा नंबर 3rd आता है, 7200 से 7500 करोड़ रुपए का क्लेम डायरेक्ट किसान के बेनिफिट दिए हमने, अनेकों डेवलपमेंट स्कूल के अंदर, एजुकेशन देखिए 850 कमरे हमने स्कूल में कंस्ट्रक्ट कराए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम, PAB की स्कीम से और नबार्ड की स्कीम से। आप जो सोचोगे जहां हाथ रखोगे हमने वहां पे मॉनिटरिंग करी है। मैं तो 1 तारीख को दिशा की जो मीटिंग होती है हमारी जिसको हम कोऑर्डिनेट करते हैं, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी होती है जिसको MP हेड करता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अध्यक्षता में जो मीटिंग होती है, मैं तो 1 तारीख को मीटिंग दे रहा था। मेरी वो मीटिंग भी मेरी 6 घंटे चली थी, वो सभी ऑफिसर्स के साथ में कि हम इस स्कीम में यहाँ लैग कर रहे हैं, यहाँ इम्प्रूव करना है अपने को गर्मी आने वाली है, पानी की व्यवस्था देखनी है, हर चीज। आई वाज नेवर कंसर्न्ड, मुझे कोई चिंता ही नहीं थी इस बात की। अच्छा, 2 तारीख को लिस्ट आई, आपका नाम काट दिया गया, उसके बाद परिवार का क्या रेस्पॉन्स था, क्योंकि परिवार भी बीजेपी से दशकों पुराना उनका भी रिश्ता रहा है, क्या रेस्पॉन्स था, फिर कैसे क्या बातचीत हुई, पिता ने भी कुछ कहा होगा, ससुराल पक्ष में जगदीप धनखड़ जी से क्या बातचीत हुई इसको लेकर के कुछ? नहीं देखिए, उनके पास संवैधानिक पद है, मैं कभी मैटर्स पे बात ही नहीं करता और मेरा कभी नेचर भी नहीं है कि मैं जाके मिलूं। मेरी 1-2 बार मुलाकात अध्यक्ष महोदय से और CM साहब से भी हुई थी, दोनों ने सब कहा था सब पॉजिटिव रहेगा और न्याय किया जाएगा। मुझे जब पता है कि जब हमारा जॉब क्या है एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स को एग्जीक्यूट करवाना और डेवलपमेंट करना, पब्लिक के साथ कनेक्ट होना चाहिए। मेरे 10 साल के कार्यकाल में और उससे पहले मेरे पिताजी के कार्यकाल में आज तक कोई हमारे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा नहीं पाया। हमने कभी भी करप्शन न किसी से कुछ लेना न कुछ देना हमारा कभी नेचर ही नहीं, और ये आप किसी से पूछोगे चूरू में तो आपको मालूम पड़ भी जाएगा। तो मुझे लगा कि ऐसा कोई रीज़न नहीं है, रीज़न एक व्यक्ति रीज़न बन जाएगा तो मैं नहीं मानता था, क्योंकि पार्टी में इतना बड़ा, मुझे पता था पार्टी लीडरशिप इतनी मजबूत तो है ही कि इतना तो अपने आप को वो देखेंगे ही, कुछ बात होगी तो मुझे बुला लिया जाएगा। मैं तो इसी तरह कॉन्फिडेंस था कि पर पता नहीं पर उस व्यक्ति ने जिस तरह स्टेट को अपने काबिज में किया, लूप होल्स को, पर उसने अपने आप को ऐसा शो कर दिया कि पूरा स्टेट उनके कब्जे में है, उसका पार्टी को नुकसान MLA इलेक्शंस में भी हुआ है और आगे भी होगा। और जनता में आक्रोश इसी बात का है कि पार्टी बहुत बड़ी होती है, एक व्यक्ति नहीं होता, और उस व्यक्ति ने पार्टी को कमजोर करने का काम किया है। परिवार का रेस्पॉन्स कैसा रहा, पहले मैं वो जानना चाहूंगी, फिर मैं देखिए सब दुखी हैं, बहुत हर्ट फील हुआ है सबको, क्योंकि मैंने मेरे एक्स पे भी ये बात लिखी थी कि मेरा गुनाह क्या है, क्या मैं निष्ठावान नहीं था, क्या मैं ईमानदार नहीं था, क्या मैंने काम नहीं करवाए, क्या मैं पार्टी के प्रोग्राम्स में शामिल नहीं हुआ, जो पार्टी ने आदेश दिया कि आज आपको ये प्रोग्राम करना है, आज नमो ऐप पे राजस्थान में मैं टॉप पे हूँ, आज फेसबुक के अंदर कोई पोस्ट डालनी हो, जो भी पार्टी के छोटे मोटे हमारे कार्यक्रम होते हैं या बड़े कार्यक्रम भी होते हैं, उस हर कार्यक्रम में मैंने लीड फ्रंट से किया है, तो किस कारण से, वो कारण एक व्यक्ति, वो तो पॉसिबल नहीं, वो तो प्रजातंत्र में तो प्रजातंत्र की हत्या हो जाएगी अगर एक ऐसा, अगर सामंतवादी सोच के विचार रखने वाले व्यक्ति अगर पार्टियों में हावी हो जाएंगे तो पार्टी का एक आम कार्यकर्ता तो टूट ही जाएगा ना, उसको तो लगेगा कि भाई सब कुछ यही है, यहाँ से पार्टी शुरू होती है, उस थॉट को कामयाब नहीं होने देना चाहता था मैं, इसलिए मैंने मेरी आवाज उठाई है। तो एक व्यक्ति विशेष का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, एक वक्त था जब राम लखन की जोड़ी कही जाती थी, आपके पिता राम सिंह कस्बा और राजेंद्र राठौड़ की जोड़ी की मिसाल दी जाती थी,
फिर ऐसा क्या हो गया कि दोनों के बीच अदावत हो गई या रिश्ते बहुत खराब हो गए? देखिए वो तो वही बता पाएंगे कि उनके जीवन में ऐसी क्या घटनाक्रम हुई, उनका जीवन ऐसे कैसे प्रभावित हुआ, वो तो पब्लिक में उनको आके बोलना चाहिए। कभी कहते हैं कि पापा की टिकट काट दो, कभी कहते हैं बेटी की टिकट काट दो, 14 में पीछे पड़ गए कि राम सिंह की टिकट काटो, भी क्यों काटो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना काट दो। तो पार्टी ने शायद सुन ली होगी, क्यों मुझे मौका मिल गया, बैलेंस कर दिया, हमने नई शुरुआत करी, 90 में फिर आ गए टिकट काट दो जी। तो भाई साहब बता दो क्यों, क्या दुख है आपका? हमारा ना तो कोई पॉलिटिकल विवाद है हमारा, ना हमारा कोई प्रॉपर्टी लैंड का डिस्प्यूट है, वो एमएलए का इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, मैं एमपी करता हूँ, मैंने तो आज तक कभी कहा ही नहीं कि टिकट काट दो। टिकट काटना देना पार्टियों का काम होता है, जिताना तो जनता काम होता है ना, वोट तो जनता ही देती है, जनता के दिलों में आपकी क्या जगह है, आज आपकी रेपुटेशन क्या है, पता क्या कभी आपने पब्लिक एट लार्ज में जाकर कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? काट दो, मैं कह रहा हूँ काट दो, मैं कह रहा हूँ इसको बना दो, मैं कह रहा हूँ इसको मत बनाओ, ये अध्यक्ष बनेगा, ये महामंत्री बनेगा, ये मंत्री बनेगा, अरे सब कुछ आप ही तय करने लग जाओगे तो और लोगों को जीना कैसा होगा भाई, ये डेमोक्रेसी है ना। तो उनको ही बताना पड़ेगा पब्लिक एट लार्ज को कि भी मेरे को मेरे साथ में 15 साल पहले क्या घटना घट गट गई ऐसी कि जिस घटना से बोलते क्यों नहीं है वो, दरिया एनकाउंटर वो तो वो बताएंगे, बेटर बताएंगे वो जी भी किसी का। लेकिन दरिया एनकाउंटर के बाद से ही रिश्तों में खटास आई, 2014 में टिकट कटवाने के लिए उन्होंने भरपूर कोशिश की। दरिया एनकाउंटर में तो एक्टिव पॉलिटिक्स में था भी नहीं, फिर मुझसे क्या नाराजगी है, बताओ जनता को बताओ भाई, आप जेल में गए हो, आपका कोई एनकाउंटर केस में नाम था, क्या था, वो तो पब्लिक डोमेन में है हर चीज। I was not in active politics. वो तो उनको बताना ही चाहिए कि भी मैं तो इस चीज से नाराज हूँ जी, और मैं तो इनको बीजेपी में रहने दूंगा नहीं, वो ये उनका वन पॉइंट एजेंडा पिछले 15 ईयर से है, इस पर पार्टी लीडरशिप ने मजबूती से काम किया 10 साल तक, लोगों ने कभी सुनी नहीं इस तरह की बातों को कि कोई लीडरशिप क्रिएट होती है। हमारे पापा के फादर की सीनियरिटी बढ़ी तो उनकी टिकट काट दो, हमने 5 साल अच्छा काम कर लिया तो हमारी काट दो, 10 साल और अच्छा काम कर लिया तो हमें काट दो, ये तो कोई चीज नहीं होती इसमें। तो मैं समझता हूँ अध्यक्ष महोदय जो हमारे हैं स्टेट लीडरशिप का, उनका बहुत ही मैं कहता हूँ कि इन्होंने अन्याय किया है, एक कुर्सी पे बैठ के अन्याय किया है। नहीं लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है उसके कहने पर अमित शाह टिकट काट देंगे या सीपी जोशी जो है वो टिकट काट देंगे, एक व्यक्ति का इतना महत्वपूर्ण हो गया? यही बात तो पार्टी को समझना कि भी आपको आप या फिर अगले कारण बता दो कि भी आप क्या चीज थे, क्योंकि उसने तो पब्लिक डोमेन में ये पर्सपेक्टिव रखा हमेशा कि उनके लोगों ने हमेशा कहा था अब तो टिकट लेने देंगे नहीं, टिकट तो हमारे जेब में है, हम तो भी स्टेट की टिकट बांट के आते ही हैं, 200 टिकट तो हमने बांटी तो है, प्रभारी सिंह जी हमारे साथ थे और हमने पूरे स्टेट में टिकट बांटी है, तो उनको तो वो तो खुद ने ही पर्सपेक्टिव उन्होंने क्रिएट किया ना, ये परसेप्शन पब्लिक में उन्होंने क्रिएट किया, उनकी पब्लिक में लोग उनका खुद की जुबानी बंद कमरों में कितनी आवाजें बाहर आई हैं ऐसी कि मैं टिकट लेने दूंगा ही नहीं, तो जब तुम लेने देंगे फिर पार्टी में सीपी जोशी जी या ऊपर सीनियर जो सीनियर लीडर्स हमारे उनका नंबर कहाँ से आएगा, लोग तो उसी को उन्हीं को जानते हैं चूरू में, और लोग चूरू में उनकी बात चलती है वो बोलते हैं, और अध्यक्ष महोदय को तो बुलाना चाहिए था मुझे, क्या उन्होंने मुझे बुलाया कभी, हमने उनसे बात करी, मैंने उनको मेरी टिकट कटने के बाद उनसे बात पूछी थी, क्या अध्यक्ष महोदय आप मुझे कारण बता पाओगे मेरे कौन से काम में कमी थी, भाई मैं तो चुना तो इसलिए गया हूँ ना कि मैं जनता की सेवा करूँ, मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट के ऊपर उठाऊँ लेके आऊँ, मैं पार्लियामेंट में भी परफॉर्मेंस दूं, 98% मेरी अटेंडेंस है, द मैक्सिमम क्वेश्चंस आई हैव रेज्ड आई एम अबव द स्टेट एवरेज ऑन ईच एंड एवरी ग्राउंड इफ यू काउंट देम, तो कहाँ कमी है? अब मेरे को ये कोई कहे किसने मुझे तो कहा नहीं था कि ये सब काम तो करना मत जी, आप तो ये काम करना कि जी इन भाई साहब का ध्यान रखना, तो हम भाई साहब की तरफ देखते, पर भाई साहब तो मैं तो देखूंगा नहीं, और हम क्यों देखें भाई, हम तो जनता की तरफ देखें, तो ये तो बोलना तो उनको पड़ेगा ना कि किस भाई साहब का कब ध्यान रखना पड़ेगा, प्रजातंत्र है, जनता के लिए चुने जाते हैं और जनता के लिए काम करते हैं, जब काम करते हैं और उसका प्रोत्साहन नहीं मिलता तो दिल दुखता है, और जब दिल दुखता है तो जनता उसका बहुत बुरा मानती है। अच्छा आप ही कह रहे हैं कि 2014 में भी उन्होंने कोशिश की और फैक्ट है आपके साथ, बिल्कुल कोशिश में शायद कामयाब भी हुए, लेकिन पार्टी आलाकमान ने आपको मैदान में उतार दिया और 2 बार उतारा, लेकिन इस बार ऐसा क्या कारण रहा कि आपका टिकट काट दिया? भाई साहब व्यक्ति इनका इनके इनको लगता है कि सब कुछ दुनिया इनके हाथों में टिकी हुई है, ऐसा होता नहीं है, प्रजातंत्र में प्रजा बहुत जल्द अपना फैसला बदल लेती है और आपको उसके भावनाओं के अनुरूप चलना पड़ता है,
ये जो सोच के साथ में पार्टी ने इनको इतनी तजुबत दी, इतनी इम्पोर्टेंस दी, ये सब कुछ ब्रूटली इनके हाथ में पावर हैंडओवर कर दी, इसका खामियाजा पार्टी को लॉन्ग टर्म में भुगतना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में भुगतना पड़ेगा, या अदरवाइज पार्टी को इसको मंथन जरूर करना पड़ेगा कि क्या हम ये सही रास्ते चल रहे हैं, क्या पूरा स्टेट, पूरा शेखावटी बेल्ट, आज जयपुर से चल के गंगानगर तक अगर आप चलेंगे हाईवे के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक विधायक जीत के आया है। ये 500 किलोमीटर का सफर है, इस बेल्ट पे इन लोगों का कितना नेगेटिव इम्पैक्ट है इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। पर कोई व्यक्ति की जो हमें बात बताते हैं वो अनदेखा करते हैं। बहुत से हमारे नेता हैं जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस बात को हजारों बार उठाया होगा कि इस तरीके का प्रथा नहीं चल सकती पार्टी के अंदर, पार्टी वीक होती है, नहीं माना लोगों ने और हजारा भुगतना पड़ा। लेकिन बीजेपी कहती है कि एक व्यक्ति कोई सर्वे सर्वा नहीं है पार्टी में, जो सर्वे करवाया उसमें आपकी रिपोर्ट अच्छी नहीं थी। देखिए मैं तो ये मानता हूँ कि कंपटीशन कब होता है कि जब दो व्यक्ति काम कर रहे होते हैं। जब आप एक ही फील्ड में काम कर रहे होते हैं तो ये चीज़ें तो ऐसी हैं जिसमें मेरे को कोई ये को भावनात्मक इश्यूज तो है नहीं, ये तो डेवलपमेंट का एजेंडा है। आज 3500 करोड़ रुपये से ऊपर का काम मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चल रहा है, तो हाईवे से चल रहा है, 3100 करोड़ का काम हमारा आज चल रहा है रेलवे में चल रहा है, पूरे डिवीजन के अंदर कहीं रेलवे की डबलिंग हो रही तो चूरू के अंदर हो रही है, 1000 करोड़ से डबलिंग का काम चल रहा है, पूरे 700 किलोमीटर का ट्रैक को एक साथ 721 करोड़ के टेंडर साथ कंप्लीट किया, पूरे स्टेट के अंदर किसी भी डिस्ट्रिक्ट का एक साथ कभी टेंडर नहीं उठा, 29 न्यू ट्रेन चलाई है हमने, इंडिया के हर कोने से कनेक्ट करता है चूरू। आज आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के 5 स्टेशन अमृत भारत स्टेशन में है, एक भी डिस्ट्रिक्ट में दिखा दो उसमें 5 हो, पूरे राजस्थान में एक ही नेशनल हाईवे नोटिफाई हुआ है इस 5 सालों के अंदर, एक वो चूरू से लेकर जलंधर तक का है। आप बीमा की बात करोगे हम टॉप में है, पासपोर्ट सेवा के अंदर से लेकर बैंक्स खोलने, स्कूल में रूम्स खोलने, आप यू नेम इट वी हैव एवरीथिंग विद अस। पहले लाइन शॉर्ट के अंदर 5 ही मेडिकल कॉलेजेस सेलेक्ट हुए थे पूरे राजस्थान के अंदर, चूरू नंबर 1 पे था। अभी हमने उसके लिए एक नर्सिंग कॉलेज का वो किया है, वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक ट्रैक खेलो इंडिया प्रोग्राम का पहला कोई प्रोग्राम पूरे इंडिया में पूरे स्टेट में कहीं लॉन्च हुआ तो चूरू में हुआ। आज वर्ल्ड क्लास स्टेडियम है हमारे पास, सिंथेटिक ट्रैक है वो पूरे इंडिया में 5 ही है, राजस्थान में 1 ही है, SMS जयपुर में भी नहीं है और राजस्थान में चूरू में ही 1 है, एक हिसार में है, एक दिल्ली में है, एक ग्वालियर में है, एक कलकत्ता में है, जो ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा नोटिफाइड है, उनकी वेबसाइट फ्रांस में है। फ्रांस की टीम आई थी इंस्पेक्ट करने के लिए, काम पैशन के साथ करते हैं, मेहनत से करते हैं, कोई एक आदमी कह दे कि मेरे से एक पैसा राउट करने के भी लिया हो तो, कभी भी मेरे फादर मदर कनेक्ट, हमारी हाईएस्ट कनेक्ट हमारी USP यही रही है, कनेक्ट विद द पीपल एंड वी हैव बीन डूइंग दिस सिंस लास्ट 35 इयर्स, तो किस चीज के लिए मेरा सर्वे खराब आएगा। मैं जानता हूं इतना अच्छा काम आपने किया है उसके बावजूद भी चूरू में लिखा गया राहुल कस्बा नॉट एक्सेप्टेबल, बाय हूम? किसने बाय हूम? उन लोगों के द्वारा जो कुछ चंद लोग हैं। चूरू के अंदर क्यों लिखा गया? वो सिर्फ तारानगर में लिखा गया, तारानगर में कुछ भाई साहब इलेक्शन हार गए थे तो उनके कारण, बाकी कहीं नहीं लिखा गया। और ये जनता जवाब देगी इस चुनाव के अंदर, पता लगेगा कि क्या एक व्यक्ति की, उस एक व्यक्ति के पास क्या काम है, एक बिग टिकट प्रोजेक्ट इस 35 इयर्स की पॉलिटिकल करियर में चूरू में दिखा दो, एक बिग टिकट प्रोजेक्ट जो उन्होंने क्रिएट किया, एक बिग टिकट, एक रोड है सिर्फ चूरू के अंदर, उसके ऊपर भी सारे दिन पानी भरा रहता है, डेवलपमेंट नाम का कभी एजेंडा उनके इलेक्शन में रहा ही नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल इधर की उधर, उधर की इधर पावर दिखा के लोगों को दबाकर आवाज एक बार उठी है और इस बार तारनगर में उठी तो इनका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। ऐसा चलता नहीं, नहीं कि लेकिन अगर चूरू से चुनाव लड़ते तो शायद जीत जाते, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया तारनगर से चुनाव जाकर लड़े। देखिए जी, चुनाव के अंदर टिकट आप डिस्ट्रिक्ट की तो नहीं पूरे एरिया की बांट रहे हो। क्या आपने कभी कंसल्ट किया? 33 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा मौका था जहां भारतीय जनता पार्टी के जो नेता ये भाई साहब जो टिकट बांट रहे थे, पहली बार कंसल्टेशन नहीं थी लोकल MP के साथ में। कुछ तो बात होगी हम अम्बे में भी कि हम जीतते हुए आ रहे हैं। मैं माना एक बात ये है कि आज हवा थी कुछ समय से, पर एक टाइम वो भी था जब बीजेपी के सिर्फ 2 ही सांसद जीत के आए थे, मेरे फादर और वसुंधरा जी के, दुष्यंत जी जीत के आए थे। तो कुछ तो बात होगी, आपने कंसल्टेशन किया नहीं। चुनाव में टिकट आप बांटते हो पूरे एरिया की, आप तय करते हो कि कौन सा कैंडिडेट कब कहां जाएगा अपने स्वार्थ के अनुसार, और आपका जिले की टीम, आपकी जिले की टीम में 25-26 आदमी होते हैं। चूरू जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रक्चर है उसमें 56 आदमी है, 50% अकेले तारनगर के ही मिलेंगे उसमें आपको। आप चुनाव में जब पहुंचते हो इसको ये पद दे दो, इसको वो पद दे दो, आप सब कुछ ही बांट रहे हो। और फिर पब्लिक का परसेप्शन, आपने क्या मुझे एक दिन बुलाया
आप ही के पार्टी के सांसद हैं, किसान कौम से आते हैं, क्या बुलाया कभी आपने? जिस दिन फॉर्म भर रहे हो उस दिन सुबह 8 बजे फोन करते हो कि मैं फॉर्म भर रहा हूँ आप आ जाना, मैं बुला रहे हो कि इतला दे रहे हो, और मेरा कमिटमेंट भादरा का था उस प्रोग्राम को भी मैं हाफ छोड़ के बीच में पहुंचा। इलेक्शन में आपने बुलाया नहीं, आपने ये संदेश देने की कोशिश करी कि हमें जरूरत नहीं किसान कौम की, तो मैं अकेला ही काफी हूँ। जातिगत चुनाव बनाए आप लोगों ने, चुनाव लड़ते आप हो, सीट चेंज करते आप हो, टिकटें बांटते आप हो, और जिम्मेदारी ले ले कोई एक्स, ये कहां का न्याय है? कहां का न्याय? बार बार जयचंद, जयचंद वो कितनी बार ये बात बोल चुके हैं आपको, जयचंद की उपमा देते हैं वो। क्या एक सांसद के तौर पर क्या आपने काम नहीं किया? क्योंकि 2018 में बीजेपी 2 सीट जीत कर आई चूरू में, और 2023 में भी बीजेपी 2 सीट जीत कर आई, और शायद यही भी एक वजह भी रही होगी कि सांसद के रूप में विधानसभा चुनाव में आपकी भूमिका अच्छी नहीं थी। देखिए, चुनाव के अंदर पार्टी टिकट किसको दे रही है, पब्लिक परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज करीब करीब मैं ये बात कहता हूँ कि टिकट कौन बांट रहा है, टिकट में मेरा कोई रोल इन्वॉल्वमेंट नहीं। मुझे लगता है कि मेरा फीडबैक है कि एक्स कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर शायद इस कैंडिडेट की पोजीशन ठीक नहीं है, अपने को इसको रिप्लेस इससे करना चाहिए। मैंने मेरा से बताया, अगर आप उसको एग्री नहीं करते या बांधते ही नहीं, सुनते ही नहीं, और आप अपने हिसाब से वाई को लेके आते हो, तो मैं जिम्मेदारी लूँ कि वो जिम्मेदारी ले। आप बात को समझने की कोशिश करिए ना, कि जब कंट्रोल आपके हाथ में है, गाड़ी आप चला रहे हो, एक्सीडेंट हो गया आपका, और 52 नंबर सीट पर बैठा व्यक्ति का ये ब्लेम वाला भी, इसने तक पीछे से क्या कर दिया गाड़ी के अंदर, ये तो ना होता कोई, तो ये चीजें नहीं चलती हैं। और ब्लेम इनको खुद को लेना चाहिए अपने आप को, क्योंकि सब कुछ जिम्मेदारी मेरी है, मैंने मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में टिकट बांटी, रिजल्ट ये आया। और कितने लोगों की जयचंद, तो मैं कहता हूँ ये कह दो देते हैं ये, पर इतिहास गवाह है। और कभी चूरू में आप कभी ऑटो में बैठोगे या किसी 5 शॉप पे जाओगे या कि रेडी वाले से बात करोगे, तो आपको पता लग जाएगा जयचंद कौन है। कितने ही लोगों का कैरियर खराब कर दिया गया, क्यों हरे हरलाल जी पहला चुनाव चूरू के अंदर किन लोगों ने वोट नहीं दिए बताएं जरा खुल के, और विद वोट विद रिजल्ट शीट लेके आइए। उन गाँव में जब आप चुनाव लड़ते हो तो 90% वोट और लाल जी को 20% वोट आए, क्यों हारे रिनवा जी, क्यों हारे बाबड़ा जी, क्या उनके कैरियर का, कितने लोगों का कैरियर बर्बाद कर दिया लोगों ने। इस बार भी जो टिकट दिलाई गई, कितने जगह पे इनके जो सो कॉल्ड क्लेम लेते हैं कि जो मेरे वोट हैं, वो वोट कहाँ गिरे? तो आप ये बातें आज पब्लिक डोमेन में सब जगह है, वो बात अलग है कि मैं मेरे मुंह से मुझे बोलनी पड़ रही है, क्या पार्टी नहीं जानती इन बातों को, सबने अनदेखा किया। नहीं, एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें आप थे, कृष्णा पूनिया भी थी, तो वो उस वीडियो की क्या कहानी है? मैं तो बहुत दिन को मुझे इनके ऊपर बड़ा तरस आता है। बीमा एक बहुत बड़ा इशू है मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। 2021 का बीमा के ऊपर राजस्थान सरकार की जो स्टैक की कमेटी होती है उसके इश्यूज थे, उस इशू को लेकर किसान संगठन ने मीटिंग करी। ये बातें हैं सितंबर और मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर की बातें हैं, सितंबर 2023 की। किसान संगठन चूरू में धरना पे बैठा हुआ था, उन्होंने सभी विधायकों को निमंत्रण दिया कि आज हमारी मीटिंग होनी है सेक्रेटरीट में जयपुर में, आप भी आइए। मैं एक सांसद के रूप में बीमा की इश्यूज को मैं दिल्ली में उठाता हूँ, तो वो मेरे को उन्होंने भी निमंत्रण दिया। जिले के अंदर 8 MLA हैं, कोई भी पार्टी का हो, सबको निमंत्रण दिया गया। वहाँ पे कांग्रेस के उस समय हमारे सिटिंग विधायक गुडानिया जी आए और कृष्णा जी पहुंचे, सांसद तो मैं पहुंचा। अब उस मीटिंग में जाने की फोटो को आप लेके पब्लिक में दिखा रहे हो, क्योंकि दिवाली उनके पास कुछ है ही नहीं करने को, उनके पास कुछ होता तो कंक्रीट बात लेके आते, और कुछ है नहीं इसलिए गोल गोल बातें घुमाते हैं। सेप्टेम्बर की मीटिंग मैं किसान संगठन के साथ बैठा हुआ हूँ और उसको आज ये सोच रहे हैं उसको वायरल कर दें कि जो पहले से मिले हुए थे। मिलना किस चीज़ के लिए होता है? और जिस MLA के चुनाव के अंदर जिन लोगों ने मुझे बुलाया, मेरे पास तो 16 दिन ही होते हैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी खुद की भी होम टाउन में हम चुनाव लड़ते आए MLA का, जहाँ जहाँ जिसने बुलाया मैं वहाँ गया मैं, और रिजल्ट जो भी हो सकता है, रिजल्ट तो जिम्मेदारी नेतृत्व की है जो उसकी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा है, जो जिसने परसेप्शन क्रिएट किया कि मैं ही टिकट बांटूंगा, मैं ही सब कुछ हूँ पूरे एरिया में, इवन टू गंगानगर तक, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर के कुछ हिस्सों में क्या इम्पैक्ट है, कैसे इन लोगों ने अपना, कैसे पार्टी ने फ्री हैंड दे दिया एक व्यक्ति को, मैं तो समझ ही नहीं पाता हूँ। और मैं हम बोलते रह गए और उसका हमें से भुगतना पड़ा, 35 साल का रिश्ता हमारा एक व्यक्ति विशेष के कहने से तोड़ दिया। तो क्या केवल यही वजह रही होगी, या ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से नागौर में मिर्धा परिवार
झुंझुनू में ओला परिवार और चूरू में कसवा परिवार। कसवा परिवार का सिक्का इतना ज्यादा चलने लग गया कि शायद बीजेपी आला कमान को ही उससे एतराज होने लग गया। आप उनकी सुनते नहीं थे। देखिए, परिवार जब कम्प्लीटली फोकस होके सब लोग राजनीति करते हैं तो राजनीति हम पब्लिक और ब्यूरोक्रेसी के अंदर स्लीपर का काम करते हैं। पब्लिक की वॉइस को हम समझते हैं, हम उठाते हैं, हम मुद्दों को रेज करते हैं। जब ये सब लोग मिलकर इलेक्शंस के अंदर लगते हैं और अपने जीवन को ही ऐसा अगर लाइफ बन जाती है, ऐसा नहीं कि कोई इलेक्शन के टाइम में एक्टिव हो जाते हैं, हमारा तो रोज़ का काम है। चुनाव हारे नहीं, चुनाव हम लड़ते, कोई जीतने की थोड़ा है। 1977 जब फर्स्ट इलेक्शन लड़ा, हमने 11 इलेक्शन लड़े हैं MLA के, कैन यू बिलीव, हम 8 ही जीते हैं, मात्र 3 ही जीते हैं, 8 तो हारे हैं। तो हारने से क्या, घर फोन बैठ गए हमारे, 15 साल बताया ना आपको मैंने लगातार चुनाव हारे, कभी नहीं घर बैठे, चलते गए। ये वो हमारी लाइफ स्टाइल बन जाती है, फिर उसी में जीना है, वहीं मरना है, वही लाइफ बन जाती है। और परिवार की बात नहीं, और मैं कभी लाइफ में मैं कभी महत्वाकांक्षी रहा ही नहीं, ना कभी मेरे फादर गए, ना कभी मैं गया, ना हमने कभी किसी पद की लालसा रखी कि हमें मंत्री बना। तो 6 बार के MP थे हम, मेरे फादर, हम मिला के 1 सीट से बीजेपी के, हम तो कभी मंत्री नहीं बने, ना कभी डिमांड करी किसी भी, कोई बता दे सीनियर लीडर की, राहुल जी मेरे पास में आए थे और कह रहे थे कि मुझे मंत्री बना दो, आज तक नहीं कहा मैंने। हम बैठे फर्स्ट टाइमर्स हमारे MP थे, मंत्री बने, न कभी मैंने ये कहा कि मेरे इस कार्यकर्ता को बीजेपी के अंदर मंडल की टीम में, उस टीम में डाल दो, स्टेट की टीम में डाल दो, काबिलियत होगी तो पार्टी अवश्य याद करेगी। वो तो मेरे पर इल्जाम अगर कोई लगा भी रहा है तो उसने अपना होमवर्क अच्छा नहीं कर रखा। मैं तो उस तरीके का कभी रहा ही नहीं। मैं, मुझे पता है कि पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी एक सांसद की दी है, मैं इसमें बेहतरीन कैसे परफॉर्म करूँ, मेरा चूरू कैसे बेस्ट हो, उस पर हम काम करते हैं। मैंने कहा छोटी छोटी चीजें होती हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन का जॉब था, मेरी फर्स्ट दिशा मीटिंग में मुझे मालूम पड़ा कि चूरू जिले के अंदर 458 स्कूलों में लाइट ही नहीं है आज तक। मैंने कहा कि सबको एक साथ लाइट दे दो, मैं, मेरा MP लाइट फंड है, दे दो, हमने एक साथ लाइट दी। कैन यू बिलीव कि हमारा चूरू जिला पहला जिला अपना राजस्थान का जिसके स्कूलों में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन था। 100% स्कूलों में हमने कंप्यूटर लैब दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। राजस्थान सरकार ने 140 स्कूल्स का नोटिफिकेशन निकाला क्योंकि वो पार्टनरशिप में था। 75% स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी, 25% MP लेड फंड से था। 140 स्कूल में से 122 स्कूल्स अकेले चूरू के थे, बाकी पूरे राजस्थान के स्कूल्स थे। हर स्कूल में कंप्यूटर लैब, हर स्कूल में इंटरनेट, हर स्कूल में इलेक्ट्रिफिकेशन, गर्ल्स स्कूल में TD टेबल्स। ये हमारा विजन कुछ और है, हमारी सोच कुछ और है। और चूरू से बाहर जाके मैंने न कभी झुंझुनू में, कभी नागौर में, न कभी बीकानेर में, न कभी गंगानगर में कोई मीटिंग्स नहीं करी, कोई पब्लिक रैली या पब्लिक गेट टुगेदर कुछ नहीं। तो अगर मेरे को मेरी लालसा होती कि मुझे ये बनना है तो मैं अपना को एक्सप्लोर करता ना, नहीं किया। मैं तो चूरू में ही फोकस है ना, क्योंकि पार्टी ने जिम्मेदारी चूरू की दी है। आज तक कभी मीडिया में कोई बाइट नहीं दी क्योंकि पार्टी ने नहीं कहा था, अपना कभी व्यू पॉइंट रखा नहीं। चूरू के बारे में किसी ने पूछा, जरूर बताया। तो मैं, मेरे लिए वो क्यों कह देना कि ये परिवार है, शायद पार्टी में ही विचार है। पार्टी में विचार उन लोगों के लिए आता है जिन लोगों को, जो शायद कुछ महत्वाकांक्षी हो, हम तो कभी थे ही नहीं। आपको नहीं लग रहा कि आपने ये फैसला लेने में बहुत जल्दबाजी कर दी? हो सकता था कि आपको कहीं और से प्रत्याशी बना दिया जाता या विधानसभा चुनाव बाद में लड़वा दिया जाता? नहीं मैम, आप शायद मेरे को, आप शायद पूरा जानते नहीं है। मैं मर भी जाता मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मैं चूरू के लिए हूँ और चूरू की जनता आघात हुई है एक व्यक्ति के को इतनी सुप्रीम पावर देने से। उस व्यक्ति ने एक क्लेम दिसंबर में कर लिया था, मैं टिकट लेने नहीं दूंगा। मेरे को बड़ा विश्वास था कि मेरी टिकट किसी एक व्यक्ति के रास्ते से घर से आई तो कभी जिंदगी में लेनी भी नहीं अपने को। हम अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत, अपने लोगों के साथ में जुड़ाव और सच्चाई ईमानदारी के रास्ते से राजनीति करी है, उसके आधार पर टिकट मांगेंगे और उसको टिकट मिलेगी अपने को। मैंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता कि मैं वहाँ से कुछ बन जाऊँ। पार्टी ने मेरी टिकट काटी होती तो मुझे तो कोई इच्छा भी नहीं थी ज़्यादा, ऐसा मेरे दिमाग में नजर लगाता भी। पर एक व्यक्ति विशेष ने टिकट काटी तो हम जनता के बीच में अवश्य जाना पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी इतना लंबा समय क्यों लगा? 2 मार्च को पहली लिस्ट आई, 11 मार्च को आपने कांग्रेस का दामन थामा, तो आखिर इतना वक्त क्यों लगा? क्या आपके मन में चल रहा था इन बीते दिनों में? देखिए, मैं बहुत दुखी था इस बात से कि इतना पैशन के साथ में अपन ने काम किया है, कभी एक पैर दिल्ली में, कभी एक पैर कॉन्स्टिट्यूंसी के किसी गांव में, कभी एक पैर दिल्ली में, कभी वहाँ, कभी दिल्ली में हूँ तो एक पैर पार्लियामेंट में, एक पैर मिनिस्ट्री में। ऐसा आसान नहीं होता ना कि आप आज गए कि सर मुझे ट्रैक दे दो, ट्रैक मिल गया, सर मुझे ट्रेन दे दो, आज ट्रेन लगी। काम के पीछे पड़ना पड़ता है,
स्टेट का सेंटर का कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है, भागते हो आप, लड़ते हो, तब तो काम होते हैं। तो मेरे को ये दुख था कि इतनी मेहनत करी 5 ईयर्स तक, 10 साल हो गए, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है आपकी, आप पब्लिक भी सारे दिन रहते हो, और किस कारण से टिकट कटी है यार, ये कारण ही नहीं पता लग रहा अपने को। तो अगर कुछ कारण भी है कि राहुल जी आपके करप्शन के चार्ज थे, या आपने पार्टी लाइन्स पे ये बात नहीं बोली थी, या आपने ये वाला प्रोग्राम पार्टी का नहीं किया था, कुछ तो मालूम पड़ी, या डेवलपमेंट आपसे अच्छा तो और डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। मैं बताना चाहता हूँ कि करीब मैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले 10 साल के अंदर 20,000 करोड़ रुपये का लगभग हमने विकास का काम करवाया है, जो बेनिफिट डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे क्षेत्र के लोगों को मिला है। जब वो सब चीज़ें आपका बैग जब फुल होता है और किसी एक व्यक्ति विशेष कहने टिकट कट जाती है, तो इंसान सोचता है। मैंने मेरे अध्यक्ष को भी रोज घंटी करी, सर कारण बताओ, आपका आपका फर्ज है, आप उस कुर्सी पे बैठे हुए हो, आप तो स्टेट लीडरशिप को, मैं तो स्टेट लीडरशिप से बात करूंगा, क्योंकि मुझे पता था कि ये बताएंगे मुझे कि क्या कारण रहा है। अपन इम्प्रूवमेंट करेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर आगे काम करेंगे, अगर कोई गलती है तो इम्प्रूवमेंट तो होना। आप जब टीचर्स कॉपी टेस्ट करती हैं तो बच्चे के उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर रेड मार्क लगा देती है कि यहाँ प्रॉब्लम थी, तो वो मुझे कारण नहीं मिला और मैं बहुत दुखी था। मेरे कार्यकर्ता, मेरे फैमिली बहुत परेशान थी, मेरे कार्यकर्ता बहुत कार्यकर्ता मेरे फ़ोन पे रोए हैं, मिले हैं आके, क्योंकि सबको पता था कि आई वॉज वर्किंग हार्ड, आई वॉज डूइंग डेवलपमेंट फॉर माई कॉन्स्टिट्यूंसी, सो वेयर एंड व्हाट हैपेंड, व्हाट वेंट रॉन्ग। सो वो थॉट प्रोसेस ने बहुत तंग किया, और जब मुझे जवाब मिलना नहीं मिला मुझे प्रॉपर, एंड आई वॉज हर्ट, मैं रिपब्लिक में गया, सब ने मेरे को यही कहा कि आपको इस कांग्रेस का हाथ थामना है, हमें को यहाँ पे नहीं, हमारी यहाँ इज्जत नहीं। बात कैसे बनी, किसने पहल की, आपने पहल की या उन्होंने पहल की? देखिए पहल तो जनता की होती है, जनता का ही फीलिंग है, क्योंकि मेरी शेखावत साहब भी इसी जनता के कारण हमें बीजेपी में लेके आए थे, भैरव सिंह जी, और जनता की आवाज थी कि यहाँ अब बहुत हो गया, इतना अन्याय सहन नहीं होगा, हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंची है, हमें इग्नोर किया गया है, किसान कौम को इग्नोर किया गया है, तो हम सहन नहीं कर पाएंगे और हमें कांग्रेस में जाना चाहिए। पार्टी ने कॉन्टेक्ट किया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज खड़गे साहब का, राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, हमारे स्टेट टीम का, डोटासा साहब का, गलौल साहब का, सचिन पायलट साहब का भी, कि जिन्होंने मुझे एक मौका दिया है उनके परिवार में शामिल होने का, और हम उसी सच्चाई और निष्ठा के साथ में जनता की सेवा करेंगे। कल आप कह रहे थे कि अब दम घुट रहा था, पाप का घड़ा भर गया, और गोविंद डोटासा कह रहे थे कि आपको जो परेशानी होती थी तो आप उनसे जाकर के कहते थे। नहीं, मैं इस बात को समझा नहीं, मेरा तो मेरा ये पर्सनली इतना ही मानना है कि आप जब हो पार्टी के अंदर, हो पार्टी के अंदर वॉइस सुनने की का एक स्टेट एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जहां आप दोनों वॉइस को सुनो। अगर बायस हो जाओगे तो दूसरे व्यक्ति के लिए कोई रास्ता बचेगा ही नहीं। मैं आपके घर के बाहर जाके बैल बजाऊंगा, इसी वजह से क्या गेट खोलोगे, तो जब गेट नहीं खोलोगे तो व्यक्ति नहीं आएगा ना बस दोबारा। तो मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर स्टेट लीडरशिप जो थी वो इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार है, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सिंपली ये कह देना कि नहीं पार्टी और कोई मौका देगी, ये सब चीज़ें सेकेंडरी चीज़ें हो जाती हैं, फर्स्ट आपको ये बताना ही पड़ता है। और जब एक व्यक्ति पूरे स्टेट के अंदर जिस रूप से राज कर रहा है, क्या कर रहा है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो एक एक साथ में आपने 32 ट्रांसफर्स, लोगों को उठका पटकी, लोगों को दबा रहे हो, डरा रहे हो, इस जमाने में जहाँ पे चंद्रयान कहाँ पहुंच गया है, चांद के ऊपर, आज भी सामंतवादी सोच आपकी, कैसे लोग आपको माफ कर देंगे, लोगों के प्रति, लोगों के मन में आपके प्रति आपकी ऑप्टिक्स इतनी गंदी कि लोगों को नफरत का सबब बन गए हो आप, क्योंकि आपने हर आदमी को यूं पकड़ कर दबा के कोशिश करिए, नहीं दबते हैं लोग भाई, समाज के आज किसान कौम का बच्चा भी पढ़ लिख गया है, सब कुछ जानता है, वो खेती नहीं करता है सिंपल, वो खेत से उठा जरूर है, पर जब उठा है तो पढ़ा है, शिक्षा ली है उसने, वो भी कामयाब हो सकता है जिंदगी में, आप रोक नहीं सकते उसको। ये कहा जा रहा है कि राजेंद्र राठौड़ अब चुनाव तो हार गए हैं लेकिन लोकसभा का चुनाव वो लड़ सकते हैं, और उनका टिकट भी शायद लगभग तय हो गया था, लेकिन राहुल कस्वा की अदावत के चलते या उनकी बगावत के चलते उनका टिकट अभी के लिए होल्ड कर दिया गया है। देखिए तो पार्टी का इंटरनल मैटर है, मैं कुछ नहीं बोल सकता, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि इस एक व्यक्ति ने, सामंतवादी सोच के इस व्यक्ति ने इस स्टेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुत कमजोर करने का काम किया है। वो बात अलग है कि पार्टी की आंख कब खुलेगी, पार्टी कब सोचेगी इस बारे में और पार्टी कब सही फैसला लेगी। एक व्यक्ति को आपने इतनी ब्रूट पावर दी है, इसको हद्दो साफ नहीं,
बहुत सी बातें पब्लिक डोमेन में आज की तारीख में भी है। कभी आप फुर्सत में हो तो आप कभी जाना जरूर उन चोरू की गलियों में, उन शेखावटी बेल्ट से लोगों को जगह मिलना है, एक आम आदमी से क्या इमेज इन्होंने बनाई, कितना पार्टी का नुकसान करा है। पार्टी फिर भी इनको कोई जिम्मेदारी देना चाहती है, पार्टी का सोच है, पर जनता के मन से ये आप उतर चुके हैं। जनता के मन में इनके प्रति बहुत नफरत है। इन्होंने किसी भी व्यक्ति का नहीं, इन्होंने ऐसा अपना को महसूस करा दिखाया पब्लिक में कि मैं किसी का भी कैरियर बना सकता हूँ, मैं किसी का भी कैरियर बिगाड़ सकता हूँ। इनके पास इतनी ताकत नहीं, कैरियर जनता बनाती है और कैरियर जनता ही बिगाड़ती है। इनका भी बिगाड़ा है और हमारा बना देगी। लेकिन एक चीज है, बीजेपी में ये कहा जाता है कि आम आदमी को भी तवज्जो दी जाती है, अब ऐसे में आपकी बात नहीं सुनी गई, इतने सालों का रिश्ता रहा है आपका। मैंने वही बताया कि देखिए जी, बहुत इसकी तो फुल जिम्मेदारी हमारे अध्यक्ष महोदय खुद को लेनी चाहिए कि आप इतने सीनियर हैं, आप बैठे हुए हैं ऐसी जगह के ऊपर, वो पूरी कुर्सी पे मैंने बताया, स्टेट का झालावाड़ से लेकर गंगानगर तक का हर कार्यकर्ता आपकी तरफ देखेगा। कहीं अन्याय पार्टी में हो रहा है, कोई व्यक्ति कर रहा है, पार्टी बहुत बड़ी है, स्टेट बहुत बड़ा है हमारा, तो कोई एक तो जिम्मेदारी लेगा। ऐसे ऐसे लोग जो पार्टी के पदों पर बैठकर पार्टी के नेतृत्व के बारे में इतना हल्का इतना घटिया बोलते हैं और स्टेट की टीम में उनको पद दे दिए जाते हैं, क्या मैसेज दे रहे हो आप डाउन द लाइन? आज 22 लाख की पॉपुलेशन है चूरू जिले की, हजारों कार्यकर्ता हैं, तो क्या मैसेज दिया है आपने? मैं तो अचंभा करते रह गया कि जो सरेआम आप पार्टी की उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे जी के बारे में इतने अपशब्द कहने वाले लोगों को पार्टी ने आज ताज बनाया है। शर्म आनी चाहिए, मुझे तो पता नहीं क्यों बनाया है, किस किया, डेलिब्रेटली जानबूझ के किया है। मेरे बारे में कहा गया, मैं तो सांसद था, पार्टी का ही सांसद था, उन लोगों के बारे में आप आज उनको पार्टी में स्टेट लीडरशिप में पद देते हो, तो क्या संदेश देना चाहते हो? कि आपने मान सम्मान तो पूरा कर ही दिया है, बचा कुछ भी नहीं, आपने सब रास्ते बंद कर दिए हमारे लिए। तो ये तो पार्टी को सोचना है और अध्यक्ष महोदय की जिम्मेदारी है। अध्यक्ष महोदय का बहुत बड़ा रोल रहता है इसके अंदर, क्योंकि कुर्सी पे बैठने वाला व्यक्ति ही जिम्मेदारी लेगा हर अच्छाई की, हर बुराई की, हर कामयाबी की, हर फेलियर की। ये भी कहा जाता है कि बीजेपी में विधानसभा चुनाव में गुट बन गए थे, वसुंधरा राजे गुट को पीछे करने की तमाम कोशिशें की गई और जीत भी गए, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बन पाई। देखिए वो तो पार्टी का कॉल है किसको मुख्यमंत्री बनाना किसको नहीं बनाना, पर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में गुट कहां थे? गुट तो एक ही था जिस गुट ने पूरी टिकट बांटी, प्रभारी मंत्री महोदय और हमारे भाई साहब जो लगे दिन रात और पैनल तक मैनेज करे लोगों, बहुत कुछ है जनता के अंदर, सब कुछ जनता सब जानती है, किसी को छुपा नहीं। आप पता करिए ना कि टिकट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में जयपुर से चलने के बाद में हाईवे चलते हैं गंगानगर तक, एक ही एमएलए क्यों जीत के आया? चूरू हनुमानगढ़ गंगानगर झुंझुनू सीकर में 32 से लगभग सीटें, 8 ही सीट क्यों जीत के आया? 8-9 एमएलए बन के आया, क्यों जीत, क्यों, कौन लेगा जिम्मेदारी? आप औरों पे डालते जाओ और पार्टी स्वीकार कर ले, ये तो अन्याय है, घोर अन्याय है। तो अब आप कांग्रेस ही बन गए हैं लेकिन अभी आपके पिता तो बीजेपी में ही हैं, तो आने वाले समय में क्या वो भी बीजेपी को छोड़ सकते हैं? बेटा बिना पिता के कहाँ जाएगा? जहाँ बेटा है वहाँ पिता है, जहाँ पिता है वहाँ बेटा है। हमने हमारी फादर ने तो बहुत शालीन स्वभाव के रहे हमेशा, और वो तो हमेशा कहते आए हैं, हमने सबको ये कहा था कि बैलेंस बनाना पार्टी को पड़ेगा या आप रिजोल्व करिए, क्योंकि वो जानते थे कि मेरे पास पावर है, मैं जिस तरह चाहूंगा ट्विस्ट कर लूंगा इस पावर को, सब लूप होल सब सिस्टम को समझ चुके थे। अपने इतनी एनर्जी उन्होंने इस काम में लगाई, कभी चूरू शहर के कभी चूरू तहसील की लगाई होती तो बात ही कुछ और होती। आप जाके देखिए चूरू में कि क्या बनाया उन्होंने आज तक, क्या बनाया है चूरू के अंदर आज तक। ले देखिए एक हमारा नेचुरल पार्क है जिसके अंदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टनरशिप का इशू था, वो एक चीज बन के आई है। क्या बनाया है, क्या दिया है चूरू को उन्होंने डेवलपमेंट के नाम के ऊपर? कुछ नहीं, आपसी भाईचारे को बिगाड़ना और ये ऐसी पेटी पॉलिटिक्स करना, ये वो इनका USP रही है और वो आखिर में नफरत में पब्लिक की जनता के अंदर नफरत में तब्दील हो चुकी है। एक आरोप लगता है कि ये अदावत इतनी बढ़ गई थी कि दो व्यक्तियों की लड़ाई समाज की लड़ाई बन गई थी, जाट वर्सेस राजपूत, और यही वजह रही कि 2023 के चुनाव में आपने नरेंद्र बुड़ानिया का साथ दिया। तो आप उनसे पूछिए कि आपको किसान समाज ने जाट समाज ने कितने वोट दिए, डिनाई करें ना खड़े होके मंच पे माइक लेके बोले कि मुझे वोट नहीं दिया, बताएं आप। जब आप उस इलेक्शन को कम्युनिटी के हिसाब से, जो दो सीटिंग व्यक्ति जो 5 साल से कांग्रेस के अंदर थे,
जो बुढ़ानिया जी की गाड़ी में घुमा करते थे, जैसे आप पहुंचे, आपके समाज के थे, आप आपकी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। आपने क्या ऑप्टिक्स क्रिएट किया वहां पे जाके, आपने ऑप्टिक्स क्या क्रिएट किया, उस ऑप्टिक्स का हर्जाना नहीं भुगतना पड़ेगा। आपका समाज आपको वोट देता है कंप्लीट 100%, वो जायज हो जाता है। दूसरा समाज का कैंडिडेट भी तो खड़ा है भाई, वो उसको वोट देगा तो वो जातिवादी हो गया। ये तो चलता हमारे सादलपुर विधानसभा में, क्या हुआ, बसपा का विधायक एक अलग कम्युनिटी का था, पूरी कम्युनिटी ने वोट दिया, किसने कभी इशू रेज नहीं किया, कौन, ये तो सब जानते हैं इसको। ये तो स्लोली स्लोली मोमेंट के ऊपर कंट्री जब ग्रो करेगी, ये धीरे धीरे चीज निकल जाएंगी। आज इसको मैं हम तो बदल नहीं सकते, आप अननेसेसरी पिन पॉइंट कर रहे हो। जरा आसपास की सीटों की पोजीशन देखिए, किस कम्युनिटी ने किसको वोट दिया, किस कम्युनिटी ने किसको वोट नहीं दिया, ये मेरे को तो कहने की जरूरत नहीं है। आप खुद सोचते हो कि आपको तो आपकी कम्युनिटी भी 100% वोट दे दे, और अगले दूसरे व्यक्ति की जो कम्युनिटी, जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है, उसकी कम्युनिटी के भी 100% वोट आ जाए, ये तो कैसे पॉसिबल है? तो ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता। इसीलिए मुझे लगता है कि ये बैसाखियों का सहारा न लें वो, कि उस कम्युनिटी ने वोट नहीं दिया, उसने नहीं दिया। कम्युनिटी को ब्लेम डालने से कुछ नहीं होता, उन्हीं के साथ घूमने वाले, उन्हीं के पार्टी के जो नेता थे, कभी उनको पर ब्लेम लग जाता है कि आपके लोगों ने, आपकी कम्युनिटी ने वोट नहीं दिया। तो आप कम्युनिटी का चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पे थोड़ा ना आए हो, आप तो चुनाव विधायक का लड़ने के लिए आए थे, विधायक वाली बात करते, लोगों को साथ लेकर चलते, दिखाते। क्या जरूरत पड़ी कि आपने अपने चुनाव में हर दिन एक अलग कम्युनिटी की मीटिंग करी, क्यों करी, नहीं करनी चाहिए थी। कांग्रेस से जब बात हो रही थी तो कोई आश्वासन भी मिला ही होगा? बस जो पार्टी जिम्मेदारी देगी जी, मैं सामंतवादी सोच के लोगों के खिलाफ हूँ। एक व्यक्ति किसी का भविष्य तय नहीं कर सकता। समाज में इसके प्रति बहुत घृणा है, बहुत नफरत है, समाज में आक्रोशित है, समाज किसान वर्ग में बहुत ज़्यादा आक्रोश है इस बात का। और हम उस आक्रोश के साथ में, मैंने जन भावना को देखते हुए ये कांग्रेस का परिवार में शामिल हुआ हूँ, और हम हर हद तक लड़ेंगे, जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी उसको निभाएंगे, और ऐसे लोगों के खिलाफ में अब अपनी आवाज़ को और बुलंद करेंगे। एक आखिरी सवाल राहुल जी, पिछले दो चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई, अब आप कांग्रेस में शामिल हो गए, लोग कह रहे हैं कि राहुल जी ने रिस्क ले लिया। देखिए, बात रिस्क की नहीं होती, यहाँ बात स्वाभिमान की है। यहाँ बात कि 33 साल का सफर भी एक पार्टी में बिना कोई स्वार्थ के देने के बावजूद भी अगर आपका दम एक व्यक्ति घोटने की कोशिश करे और सब उसका साथ देने लग जाए, तो बात तो स्वाभिमान की है। ये चुनाव जीतना, मैंने बताया, चुनाव जीत हार कभी मैं मकसद नहीं रहा। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूँ। हमने 1977 से लगातार चुनाव लड़ा सादलपुर विधानसभा का, मेरे फादर, ग्रैंडफादर, मदर ने। एक टाइम वो भी था जब फादर चुनाव लड़ते थे एमपी का, मदर लड़ती थी एमएलए का। पार्टी ने इस बार कहा कि नहीं, हम किसी और को देना चाहते हैं, और हमें एक घर में दो टिकट देना नहीं चाहते। हमने उफ तक भी नहीं करी, वो सीट छोड़ दी, पहली बार छोड़ी। हम कितनी बार भी हारे हों चाहे, वो हमारा वोट बैंक था, हमारे पर्सनल ताल्लुकात थे, और जिसको टिकट दिलाई वो व्यक्ति भी वो थे जिनके सामने हमने चुनाव लड़े हैं, करीब करीब 8-10 चुनाव हमने लड़े होंगे हमने सामने। उनको हमने बीजेपी ज्वाइन करवा कर उनको टिकट दी, उनके साथ लगे, मेहनत करी, रिजल्ट अच्छा नहीं आया एक अलग बात है। तो ये नहीं होता है कि रिस्क है, लड़ने वालों के लिए रिस्क हमेशा रहेगा, जो लड़ते हैं वही जीतते हैं। लेकिन आपकी विचारधारा अब क्या रहेगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की विचारधारा तो बहुत अलग अलग है। फिलहाल तो मेरी विचारधारा ये है कि मैं मेरे किसान कौम के लिए आवाज उठाऊंगा, और सामंतवादी सोच के जो लोग हैं, जिन लोगों की आज भी 500 साल पुरानी सोच के साथ में इस जमाने के अंदर वो ऐसे विचार रखते हैं, लोगों के ऊपर, लोगों को प्रताड़ित करते हैं, लोगों को आज भी दबाने की, कुचलने की कोशिश करते हैं, उसके खिलाफ मेरी आवाज और बुलंद होगी। मैं और लड़ूंगा, और मैं पब्लिक एट लार्ज को जागृत करने का काम करूंगा कि दबने की और झुकने की जरूरत नहीं। दबना है, झुकना है तो सिर्फ आदर में, अपना स्वाभिमान सबसे बड़ा होता है। तो देखिए, ये थे राहुल कसवा हमारे साथ, जो कह रहे हैं कि सामंतवादी सोच को ये नहीं चलने देंगे, और एक व्यक्ति विशेष जिनकी वजह से इनका टिकट कटा है, उनका खामियाजा भी पार्टी को आगे भुगतना पड़ेगा। कैमरा पर्सन निधि के साथ मैं आंचल गुप्ता, राजस्थान तक के लिए।